बच्चों इस कविता के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि इस पूरी सृष्टि की, सृष्टि मीन्स यूनिवर्स, इस पूरी सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। पहली पंक्ति है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, अर्थात जब सूरज सुबह निकलता है तब पक्षी अपने घोंसले में से निकलकर चहचहाने लगते हैं। उनकी चहचहाने की आवाज़ को कवि ने गीत खुशी के गाने में कहा है। कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती हैं, अर्थात फूल कली में से खिलकर चारों तरफ अपनी सुगंध फैलाने लगते हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हवा चारों तरफ खुशबू फैलाने लगती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, अर्थात इस सुंदर दृश्य को देखकर हमें ईश्वर की इस रचना पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। सृजनहार का अर्थ होता है ईश्वर। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। बच्चों इस समय बारिश का मौसम है, जब बरसात धीरे धीरे गिरती है, छमछम अर्थात बहुत तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे जब उनकी बूंदें गिरती हैं और बिजली की आवाज़ जब आती है और खेतों में, मैदानों में, वन बागों में, वन मतलब जंगल, बाग अर्थात बगीचा, चारों तरफ हरियाली ही लहराती है, मतलब पूरा जो दृश्य है वो हरा भरा लगता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, इस सुहाने मौसम में जब हवा एकदम ठंडी चलती है तब हमें ईश्वर की याद आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, मतलब इस जगत की रचना करने वाले ईश्वर की हमें खूब याद आती है। इसलिए बच्चों कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें हर रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले अपने प्रभु को याद करते हुए उसका धन्यवाद करना चाहिए।